अरे भाभी जी, सुना आपने भाई साहब के सिर पे टीवी पटक दिया, जिसकी वजह से भाई साहब चल बसे। हाँ भैया, क्या बताएं, बस अचानक से हमें गुस्सा आ गया और हम टीवी उठा उनके सिर पे पटक दिए। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है भाभी जी, अब तो पछतावा हो रहा होगा। हाँ भैया, पछतावा तो हो रहा है, पूरे 56,000 का टीवी था, अब सीरियल देखने पड़ोसी का जाना पड़ता है। और भैया, मुंह लटका के काहे बैठे हो, क्या बताई भैया, मास्टर साहब 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास रख लिए हैं। एमे टेंशन वाली कौन बात हो भैया, टेंशन वाली बात तो हो भैया, एक्स्ट्रा क्लास में ना जाइब तो मास्टर साहब कुटिए, और घर पे बताइब कि 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास हो तो घर वाले कुटिए। कुछ समझे में नहीं आवत तो का करी। डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत बहुत खराब है, कोनो दवा दे देते। ये लो, इस पर्चे पे दवा लिख दिए हैं, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक हो डॉक्टर साहब। अब कैसी है तबीयत? तबीयत पहले से तो ठीक बात है डॉक्टर साहब, वही दवाई फ्री दे देते तो अच्छा रहा। दवा की पर्ची लाओ। वो तो आप कह रहे हैं 4 हिस्से कह के पानी में घोल के पी जाना, तो हम पर्ची के 4 हिस्से कह के पानी में घोल के पी गए। अरे पागल हो क्या, दवा घोल के पीनी थी, पूरी पर्चियां घोल के नहीं पीनी थी।